तो आज हम सीख रहे हैं मीटर रीडिंग टू, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपने जो है यूनिट का जो रेट कैलकुलेट करवाना है इसके अंदर, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करवाना है और रेट कैलकुलेट करवाना है क्वांटिटी के ऊपर। मतलब जैसे कि अगर क्वांटिटी कम है तो रेट भी कम पड़े, और अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो रेट भी ज़्यादा पड़े। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 67 यूनिट का जो रेट है वो 5 रुपीज़ है, जबकि 287 रेट जो यूनिट का रेट है वो 20 रुपीज़ है। मतलब एक फिक्स प्राइस नहीं है, प्राइस वेरिएशन में, मतलब जितना ज़्यादा यूनिट कंज्यूम होगा उतनी ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या लगने वाली है, महंगी पड़ने वाली है। और यही चीज़ हमारे कंट्री में हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टैरिफ तैयार करेंगे। तो नीचे कहीं भी साइड में कहीं भी आप इसका एक टैरिफ बना सकते हैं। इस टैरिफ में आपने क्या करना है, टैरिफ मतलब जो रेट के प्राइस का तय्यून है, आपने बताई एक साइड पे यूनिट्स और दूसरे साइड पे बताया हुआ है रेट। मतलब आपने लिखा है 0 और 0 के आगे लिखा है 5। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि 0 से स्टार्ट करें, जितने भी यूनिट्स हों वो 5 रुपए के पड़ेंगे। लेकिन कहाँ तक, अगला आपने स्प्लिट किया है इसको 100 पर, मतलब 0 से लेके 99 तक यूनिट अगर कंज्यूम होंगे तो वो कितने के पड़ेंगे, 5 रुपए के। लेकिन अगर 100 हो गए यूनिट तो फिर सारे यूनिट कितने के पड़ेंगे, 10 रुपए के, 10 रुपीज़ के। और अगर इस तरह 199 तक आपके यूनिट जो है वो पड़ेंगे 10 रुपीज़ के, लेकिन अगर 200 हो गए तो वो सारे यूनिट कितने के पड़ेंगे आपको, 20 रुपीज़ के। फिर 299 तक वो पड़ेंगे आपको 20 रुपीज़ के, और अगर 300 हो गए तो फिर कितने के हो जाएंगे, 30 के। जैसे जैसे आपका यूनिट का क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आपका प्राइस भी हाई होता जा रहा है। और इस तरह अगर आपका बिल यहाँ पे 500 रुपये आता था तो यहाँ पे 1,000 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 रुपये हो जाएगा, यहाँ पे बढ़कर 2,000 नहीं बल्कि यहाँ पे तो 9,000 हो जाएगा, और यहाँ पे वो बिल जाके हो जाएगा 12 से 16,000 रुपए का। यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा है। वैसे अमूमन होता ये है कि जितनी क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं किसी चीज़ की, वैसे वैसे प्राइस रिड्यूस होता जाता है। उसको भी करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी के साथ प्राइस बढ़ाना है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही कैसे डिटरमाइन करेगा कि इसके यूनिट अंडर 100 हैं तो उसको 5 रुपीज़ का प्राइस दूँ, अंडर 200 है तो उसको 10 रुपीज़ का प्राइस दूँ, अंडर 300 है तो उसको फिर मैं 20 रुपीज़ का प्राइस दूँ। ये चीज़ समझाने के लिए हमें करना ये होगा कि पहले शीट का आप डिज़ाइन कर लें किस तरह का। ये हमने मीटर रीडिंग की शीट का एक डिज़ाइन बना लिया है, और इसमें हमने यहाँ से इसके फॉर्मूले को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे हमने एक कस्टमर के नाम लिख दिए हैं कुछ, और यहाँ पे उनकी लास्ट मंथ की रीडिंग और करंट मंथ की रीडिंग हमने लिख दी है। अमूमन लास्ट मंथ की रीडिंग से ही ज़्यादा होती है करंट मंथ की रीडिंग, क्योंकि मीटर आगे की तरफ जाता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। मीटर की जो यूनिट्स को आगे प्रोसेस करने की जो फार्मूला है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। कभी भी मीटर रिवर्स नहीं होता, फॉरवर्ड ही होता है। तो हमने ये कुछ लिख रखा है डेटा, यहाँ पे क्लिक करके हम सम करेंगे, और यहाँ से करंट रीडिंग पे क्लिक करके माइनस करेंगे, और यहाँ से लास्ट रीडिंग को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इंटर करेंगे तो ये हमारे पास उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कहलाएगा क्वांटिटी ऑफ द यूनिट। अब इस क्वांटिटी को हम यहाँ से इसे डबल क्लिक कर देते हैं, और इसे ड्रैग हो जाएगा। यहाँ तक का काम तो सिंपल मैथ थी जो हमने कर लिया। अब चलते हैं यूनिट का रेट कैसे सेट होगा। यूनिट का रेट सेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, जो आपने टैरिफ बनाया है नीचे, तो उस टैरिफ पे क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना है इसको, और सेलेक्ट करके फॉर्मूला में जाके डिफाइन नेम पर क्लिक कर देना है। और जब क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो आप इसका एक नाम रखेंगे, कुछ भी रख दें, टैरिफ रखते हैं, T4 टैरिफ रखते हैं, TT रख दें, मैं इसका नाम रख देता हूँ TTT TTT, ठीक है, ओके कर देता हूँ। ये इसका एक नाम हो गया, जिसके पहले कॉलम में यूनिट्स की क्वांटिटी है और दूसरे कॉलम में इसकी प्राइस है। तो यहाँ से हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर एक फंक्शन लॉन्च करेंगे जिसका नाम क्या है, लुकअप एंड रेफरेंस में जाएंगे फार्मूला के टैब में, वर्टिकल लुकअप। जैसे इसको लॉन्च करेंगे तो कहेगा लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को चेक करना है। आप कहेंगे भाई इस वैल्यू को चेक करना है, कहाँ से चेक करना है, तो आप कहेंगे भाई उसका नाम क्या रखा है हमने, TTT। आप TTT लिख सकते हैं, वरना आप यूज इन फार्मूला में जाएंगे तो आपको नजर भी आएगा यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर ले यहाँ पे, अगर नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। अब कहेगा TTT, ये फार्मूला क्या करेगा, वी लुकअप इसके पहले वाले इसको चेक करेगा सेल को। अब सेल को चेक कर लेगा तो उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई जहाँ भी मैच हो उसके सेकंड कॉलम से मुझे वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो सेकंड कॉलम में क्योंकि आपने प्राइस लिख रखा है वो आपको रिटर्न हो जाएगा जहाँ भी उसकी क्वांटिटी मैच करेगा। अब यहाँ पे मैचिंग क्राइटेरिया क्या रखना है, मैचिंग क्राइटेरिया वही रखना है जो आपने ग्रेडिंग के टाइम पे रखा था, जो है इसका सेम वही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। तो यहाँ से हम क्लिक ट्रू है इसका बाय डिफॉल्ट रहने देंगे, और जैसे इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो देखिए इसने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 287, मतलब 200 से अबव है लेकिन 300 से कम है, तो यूनिट का प्राइस कितना लग रहा है इसको, 20 रुपये। अब इसको फॉर्मूले को जब हम ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे अंडर 100 है तो 5 रुपीज़ है, अंडर 400 से ऊपर चला गया तो 40 रुपीज़ है, अंडर 400 है तो 30 रुपीज़ है, अदरवाइज आपको 5 रुपये का तो यूनिट पड़ना ही है।
अब आप क्या करेंगे, अब इजी है, यूनिट कॉस्ट निकालने का तरीका ये है, सम करेंगे और यहाँ से टोटल रीडिंग को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट रेट के साथ और इंटर करेंगे, तो ये निकलाई यूनिट की कॉस्ट, मतलब आपने इतने यूनिट कंज्यूम किए और उसको ये प्राइस आपको टोटल मिल गया। इसको सिंपली ड्रैग करेंगे तो आप नोट करें, जिसने 287 यूनिट चलाया उसका बिल है 5000 का, लेकिन जिसने 500 यूनिट चलाए उसका बिल है 20000 का, ठीक है, और जिसने 349 यूनिट चलाए उसका बिल है 10000 का। मतलब हर 100 पर बिल आपका डबल हो रहा है, यहाँ 335 रुपए और यहाँ पर आप नोट करें 5000 और यहाँ पे आप नोट करें कितना हो गया 10000 और यहाँ पे कितना हो गया 20000। ये मेथड हम पर अप्लाई किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो ये इस तरह से हमें प्राइस निकलाया। अब टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना तो वही सेम हमने देखा था, सब करेंगे और यहाँ पे यूनिट का कॉस्ट निकालिए, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टैक्स के साथ, क्योंकि हमें और भी परसेंट वैल्यूज को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक डॉलर लगाएंगे ताकि इसके कॉलम को फिक्स कर सके और इसके बीच में एक डॉलर लगाएंगे ताकि ऊपर वाली रो को फिक्स कर सके, यानी कि इस रो को फिक्स कर सके। एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से इसको करेंगे ड्रैग, यहाँ तक तीनों कैलकुलेट हो जाएंगे इसके मुताबिक, और जब कैलकुलेट हो जाएंगे तो हम इसको उठा के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये सारे के सारे इसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इक्वल लगाएंगे और इसको रेफरेंस करेंगे, एंटर करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज हमें रिपीट करनी है, ये अमाउंट पे कैलकुलेट नहीं करनी, तो इसको हमें रिपीट करना है, तो यहाँ से इक्वल करेंगे, दोबारा करेंगे इक्वल और इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये देखें इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। इस पर क्लिक करके फिर हम इसको ड्रैग करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू लेगा, ये यहाँ से लेगा और एक दूसरे की वैल्यू ये कॉपी कर लेंगे। समझिए, इसको हमने इस तरह से क्यों किया, इसको इसलिए क्यों किया कि कल को अगर ड्यूटी रेट बढ़ जाता है 60 करेंगे तो ऑटोमेटिकली सबका 60 हो जाएगा, 100 करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सबका 100 हो जाएगा, एक एक का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनको हमने इसके लिए क्यों कैलकुलेट कराया, कल को सेल टैक्स बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली सबका सेल टैक्स बढ़ जाएगा, इसका बढ़ गया, ठीक है, और इसका और बढ़ गया, तो इस तरह से सबका सेल टैक्स बढ़ जाएगा। अब कल को अगर आपने यूनिट का प्राइस और बढ़ा दिया तो आपने इस पूरी शीट को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट यहाँ जाएंगे और यहाँ पे प्राइस को अपडेट कर देंगे, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, फिर यहाँ पे 20, फिर 30 एंड देन 40 एंड देन 50, तो अब आपका जो पहले बिल 335 का आ रहा था अब वो बिल आपका हो गया है 670 का, डबल हो गया, ऑटोमेटिकली एक्सेल उसको प्रोसेस करता रहेगा। स्प्लिटर को अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यूनिट की डिवीजन आपने की हुई 0 to 100 और 100 to 200, इनको मजीद आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 0 करेंगे, फिर 50 करेंगे, फिर 100 करेंगे, फिर 150 करेंगे, फिर 200 करेंगे, तो अब आपका रेट और महंगा हो जाएगा। देखें आप, जिसके पहले 67 यूनिट चल रहे थे उसका 335 का बिल आ रहा था, अब उसका बिल आ रहा है 1340 का, अब जिसके पहले 287 यूनिट चल रहे थे उसका बिल आ रहा था 5000 का, अब उसका बिल आ रहा है 14000 का, और जिसके 500 थे उसका बिल 20000 का 25000 हो गया, जिसके 349 था उसका बिल 17000 का हो गया। देख रहे हैं वहां चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली सब पर इंप्लीमेंट होता जा रहा है। अब आते हैं इसको रिवर्स कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे कोई अल्लाह करे हमारे अमाल अच्छे हों, हमने दुआ की और हमारा ऐसा कोई आ जाए जो कि जितना ज्यादा यूनिट चलाओगे उतना सस्ता आपको पड़ेगा, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, भाई जितना कम चलाओगे महंगा पड़ेगा, तो 50, 40, 30, 20 और यहाँ पे हमने कर दिया 10। तो अब यहाँ पे नोट करें, जिसने कम यूनिट चलाए थे उसका बिल कितने का हो गया 67 वाले का बिल हो गया 2680 रुपए का, जबकि 287 वाले का बिल भी 2870 का हो गया, जबकि 500 वाले का बिल 5000 का हो गया और 349 वाले का बिल 3490 का हो गया। तो इस तरह से रिवर्सिंग टेक्निक भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये वाली जो टेक्निक मैंने आपको लास्ट में बताई कि प्राइस रिवर्स जो होते हैं, मतलब जितनी ज्यादा क्वांटिटी बढ़ रही है प्राइस कम हो रहा है, ये होलसेल बिजनेस के अंदर होता है। मतलब आप कोई एक आइटम खरीद रहे हैं वो 10 रुपए का, लेकिन आपने 12 खरीदे तो वो आपको 9 रुपए का पड़ गया, आपने 100 खरीदे तो वो आपको 7 रुपए का पड़ गया, आपने 1000 खरीद दिए तो वो 5 रुपए का पड़ गया। क्यों? क्योंकि बनाने वाले की क्वांटिटी पर प्रॉफिट कम करने पर मार्जिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको दोबारा से जैसे है वैसे सेट कर देते हैं। तो देखें इस तरह से हमारे काम करने से हमारा जो शीट है वो बिल्कुल उसका डिज़ाइन डिस्टर्ब नहीं होता, फॉर्मूला डिस्टर्ब नहीं होता और वो स्मूथली खुद ही फंक्शन करता रहता है। जबकि अब शायद टोटल टैक्स हम निकाल लेते हैं, इसमें से हम कर लेते हैं, यहाँ पे टैक्स सारे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से पैरल और एंटर करेंगे और नेट बिल बनाएंगे, यहाँ से करेंगे हम सम और यहाँ से हम इसको यूनिट कॉस्ट को प्लस कर देंगे इसके टोटल टैक्स के साथ। जैसे एंटर करेंगे तो ये देखिए ये भी टोटल हो गया और वहाँ भी टोटल हो गया, सही। अब ये इनका लास्ट बिल कैलकुलेट होकर सबका यहाँ पर आ गया कि भाई इसका बिल जो इसने लाइट चलाई वो 11480 रुपये की चलाई, जबकि उस पर टैक्स वैक्स लग के टोटल टैक्स बन गया 6703 रुपये का और बिल बन गया उसका 18183 रुपये का, ठीक है। तो ये खुद ही अपडेट होता रहेगा, सिर्फ आपको जहाँ जहाँ चेंजेस करने हैं वो करते रहें और ये शीट ऑटो अपडेट होती रहेगी, सही।